दोस्तों आजकल इंडिया में जो भी मूवी रिलीज होती है अगर उसमें अच्छे गाने और धमाकेदार डायलॉग ना हो तो वो फ्लॉप हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इंडिया की पहली मूवी का डायलॉग और गाने कौन से थे? आज से तकरीबन 91 साल पहले यानी कि 1931 में अलाम आरा नाम की फिल्म आई थी जिसके डायरेक्टर आदर्शी ईरानी थे। उन्होंने लंदन में एक मूवी देखी जहां से उन्हें सीख मिली, जिसके बाद ईरानी ने एक फिल्म बनाई जो बन गई हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म जिसमें डायलॉग थे और साथ में इंडिया का पहला गाना भी था। वैसे इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे और इसकी ड्यूरेशन थी 124 मिनट। कुछ समय बाद जब 14 मार्च 1931 को इस फिल्म को मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में लगाया गया तो लोग सुबह से लाइन में लगे हुए थे इसे देखने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि इसे ब्लैक में भी बेचा गया जिसकी कीमत थी 50 रुपए, जो उस समय हजारों रुपए के समान थी। ये पूरी फिल्म मात्र 40,000 रुपए में बनी थी और इसने कमाई करी थी 29 लाख रुपए। इस फिल्म ने भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की पहली बोलती फिल्म के नाम पर काफी मुनाफा कमाया था। तो ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।